देखो जब आप मोड निकालते हो ना, तो मोड में आपको सिर्फ अगर टेबल आपकी कंटिन्यूस लिमिट्स के साथ है, ट्रू लिमिट्स के साथ है, तो आपको टेबल में भी कुछ नहीं करना होता है। ये आपके पास टेबल गिवन है, हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है यहाँ पे कि आपके पास जो टेबल गिवन है वो कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है या नहीं, ठीक है? Yes, sir. 15 से 20, yes. Next 20 से 25, yes. Next फिर 25 से 30, yes. तो यहाँ पे आपके पास जो लिमिट्स आ रही हैं वो कंटिन्यूस लिमिट्स हैं, ट्रू लिमिट्स हैं। Yes, sir. पहली चीज तो ये देखनी होती है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें कोई आगे कॉलम नहीं बनाना है, एज इट इज। इसमें अब आपको क्या करना है, जो बेटे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी टेबल में आप ये देखो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 10, शाबाश, उसको मार्क कर लो, और उसके सामने, उसके सामने जो क्लास है उसको भी मार्क कर लो। यस सर। ठीक है, तो ये जो है आपकी, जो आपने मार्क किया है, ये आपकी हो जाएगी मोड क्लास। क्या हो जाएगी? मोड क्लास। तो 10 के सामने कौन सी वाली क्लास है? 30 से 35 जी। तो यही बस मार्क करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे कि भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपने कहा सर यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10, ठीक है, तो इसको कहते yes, हैं, इसको कहते हैं F1। क्या कहते हैं? F1. तो ये हमारा हो गया F1, तो F1 हो गया 10। और F1 से पहले वाली, ये तो हो गया F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F0, तो F0 हो गया 9, ठीक है, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F2, तो F2 हो गया 3, F2 कितना हो गया? 3. अच्छा, जो हमारे पास मोड, हमारी जो मोड क्लास आई है 30 से 35, उसकी लोअर लिमिट होती है L। क्या होती है? L, लोअर लिमिट L। और जो यहाँ पे क्लास साइज है 30 और 35 में गैप कितने का है? 5, उसे कहते हैं हाइट, H, तो H हो गया 5। तो आपको ये सारी चीजें निकालनी होती हैं। आगे समझ में? Yes, sir. तो अब फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा, तो मोड का फॉर्मूला क्या है भाई? मोड का फॉर्मूला होता है बेटे L प्लस F1 माइनस F0। ये बस फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है और सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। 2F1 F0 F2 into H, ये रखना है। तो L कितना आया भाई हमारे पास? L हमारे 35, यस। और F1 कितना था हमारा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो था 10, ठीक है, F1 हमारा 10 था, और जो हमारा F0 था वो कितना था? 9, twice F1, तो twice F1 हो जाएगा 2 into 10 माइनस 9, F2 कितना है हमारा? 3, और हाइट कितना है हमारे पास? 5। तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए बेटे। इसमें भी ध्यान ये रखना है आप सब बच्चों को कि 35 को एज इट इज रखिए, 35 अलग क्वांटिटी है, ठीक है। 10 माइनस 9 आ जाएगा 1, इंटू में आपके पास 5 है, अपॉन नीचे क्या आएगा? 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना हो गया? 8। तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ एलसीएम नहीं लेना होता। अच्छा ये है कि इसी को अलग से सॉल्व कर दीजिए 5/8 को। तो 5/8 को क्या करोगे? 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, बचा कितना? 2। तो आपके पास क्या आ गया सर? 8 2 जा 16, तो समथिंग यही आंसर है। तो आंसर कितना आ गया? 35.62, ठीक है बेटे। तो ये आपका मोड है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. है ना, ये इस तरह से निकालते हैं। और बताइए।